आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आप दवाइयों के खाली पैकेट को फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर आई हूँ आज अपने चैनल पर। वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और वीडियो को पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो पहली टिप है, हम फीमेल्स को लेकर है। चाहे हम गर्ल्स हों या फिर वीमन हों, तो हम नेल पॉलिश जरूर लगाते हैं। नेल पॉलिश लगाना सबको पसंद होता है, लेकिन हम जब किचन में काम करते हैं तो हमारी जो नेल पॉलिश होती है वो बहुत जल्दी उतरने लगती है। यानी कि जैसे हमने आज लगाया, हमने कुछ बर्तन धुले या फिर कोई काम किया, कपड़े धुले या फिर खाना बनाया, तो नेल पेंट जो है उतरने लगता है और हाफ ऑफ हमारे नेल्स पर लगा होता है। तो नेल पेंट आपके नेल्स पर काफ़ी टाइम तक चलता रहे, इसके लिए बहुत ही खास टिप लेकर आई हूँ। बहुत ही सस्ती सी, बहुत ही कमाल की टिप है कि आप अपने नेल पेंट को कैसे ज़्यादा दिन तक सेफ रख सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है वैसलीन। जब भी आप नेल पेंट लगाएं तो नेल पेंट के सूखने के बाद आपको इस पर अप्लाई करना है वैसलीन, या फिर जब भी आप हाथ धुलें तो फिर थोड़ा सा वैसलीन लेकर अपने नेल्स पर अप्लाई कर लीजिए, यानी कि अच्छे से रब कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारे जो नेल पॉलिश है वो वैसलीन की कोटिंग से रहेगी और जब हम कोई काम करेंगे तो नेल पेंट हमारी उतरेगी नहीं। साथ ही नेल पेंट जो है वो काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी। जैसे अगर आपकी अभी नेल पेंट 1 से 2 दिनों में उतर जाती है, तो ये नेल पेंट इस तरीके से करने पर कम से कम 5 से 6 दिनों तक आपके नेल्स पर लगी रहेगी और ये पूरी की पूरी रहेगी। जो आधी अधूरी हटती है वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो छोटी सी वैसलीन की डिब्बी आपके कितने सारे काम आसान करती है, आप मेरी वीडियो में तो देखते ही रहते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी कमाल की है। नेक्स्ट टिप जो है वो चावल को स्टोर करने को लेकर है। जब भी हम लोग चावल की बोरी खोलते हैं तो इसे ड्रम में पलट देंगे और फिर लेकिन डर ये भी होता है कि कहीं इसमें घुन, कोई कीड़े वगैरह ना लग जाए, चावल हमारा खराब ना हो जाए। तो जब भी आपको चावल को स्टोर करके रखना हो, जैसे कभी कभी हम लोग चावल लेकर आते हैं और इसे सालों साल के लिए स्टोर करते हैं, या फिर अगर आप इसे 6 महीने के लिए भी स्टोर करके रख रहे हैं, तो बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर करूंगी कि चावल को स्टोर करने से पहले इसे किसी बड़े बर्तन में पलट लीजिए और उसके बाद से मार्केट में मिलती है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बहुत ही सिंपल से इस तरह की एक डब्बी होती है, एक पाउडर होता है और ये मिलता है दोस्तों मेडिकल स्टोर पे। ये डब्बी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपए की होती है और ये जो एक डब्बी होती है इसके अंदर जो पैकेट होता है वो पूरे 10 किलो चावलों के लिए होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने 10 किलो चावल स्टोर करने हैं तो ये कितना सस्ता उपाय है चावल को स्टोर करने का। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैकेट मैं दिखा रही हूँ, ये 10 किलो के पैकेट के लिए। मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा चावल में बोरिक एसिड डालकर दिखा रही हूँ कि इसे मिलाना कैसे है। जैसे पाउडर छिड़कते हैं वैसे ही इस बोरिक एसिड को चावलों के ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद से इस पैकेट को आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको बाद में इस्तेमाल करना हो तो इस पैकेट को सील कर लीजिए किसी रबर बैंड वगैरह से और रख दीजिए। बाद में आप अपने चावलों में इसको रख सकते हैं। इसी डब्बे में करके इसको मैं रख देती हूँ। अब इसके बाद से जो हमने बोरिक एसिड को चावल में डाला है उसे हमें अच्छे से मिलाना है हाथों से, क्योंकि बोरिक एसिड के पाउडर में थोड़ी सी इस टाइप की गुठलियाँ होती हैं। इन गुठलियों को हाथों से तोड़ लीजिए और चावल में अच्छे से मिला दीजिए। अच्छे से मिलाना है जिससे बोरिक एसिड की एक भी गुठली ना रहे। उसके बाद से इस चावल को उठाकर आप अपने ड्रम में या फिर चावल को जहाँ पर भी आप स्टोर करते हैं, किसी कंटेनर वगैरह में, किसी कनस्तर में स्टोर कर लीजिए। ये चावल सालों साल खराब नहीं होंगे, ना ही इनमें घुन या कीड़े वगैरह लगते हैं। जब को आपको बनाना हो तो चावल को अच्छे से वॉश करके फिर बना लीजिए। नेक्स्ट टिप है इस तरह के मेकअप को लेकर। हम अपने फेस पर दोस्तों हर तरीके के मेकअप अप्लाई करते हैं, काजल लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं या फिर फाउंडेशन वगैरह है, ब्लशर वगैरह, जो भी मेकअप हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई तो हम कर लेते हैं लेकिन क्या हम उसे अपने फेस से उतारते हैं। हम में से बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है कि मेकअप तो करते हैं पूरे दिन लेकिन शाम को मेकअप उतारते नहीं है, सिर्फ इस आलस में कि इसे हम छुड़ाएं कैसे, मेकअप को रिमूव कैसे करें। इसके लिए हमें अलग से मेकअप रिमूवर रखना पड़ेगा और यहाँ पर ये टेस्ट मैं आपको अपने हाथों पर ही करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक लगाई है और मैं सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और उसके बाद से मैं इसे कितने सिंपल तरीके से बिना मेकअप रिमूवर के आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। कुछ लोग इस तरह के स्टिक वाले लिपस्टिक भी यूज़ करते हैं, वो भी मैं लगा रही हूँ और अच्छे से जैसे हम अपने लिप्स पर लगाते हैं वैसे ही मैं लगा रही हूँ। इसके अलावा काजल होते हैं, हमारी आईब्रो पेंसिल होती है, बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं जो लेडीज़ अपने फेस पे अप्लाई करती हैं। यहाँ तक कि डेली रूटीन में भी अगर हम लोग फाउंडेशन वगैरह नहीं भी लगाएं तो भी लिपस्टिक, काजल, ये सारी चीज़ें तो हम लगाते ही लगाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम सारे मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वैसे ही मैं आपको आई शेडो भी लगा कर दिखा रही हूँ कि इन चीज़ों को हम रिमूव कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा सा उपाय मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अलग से मेकअप रिमूवर रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कभी कभी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मेकअप रिमूवर मत रखिए,
बस आपको मेकअप रिमूव करने का ये तरीका पता होना चाहिए, तो बहुत ईजिली आप अपने कैसे भी मेकअप को, चाहे वो बहुत ही लाइट मेकअप हो या फिर बहुत ही डार्क मेकअप हो, ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद से जैसे मैंने ये सारी चीज़ें लगाई, तो इसे रिमूव करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से प्रोडक्ट का, जिसको मैं अपने वीडियोस में अक्सर लेकर आती रहती हूँ, और जो कि है दोस्तों वैसलीन। जी हाँ, वैसलीन से आज हम ये मेकअप रिमूव करेंगे। वैसलीन को बहुत थोड़ा सा लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेना है, बहुत थोड़ा सा, जितना हम अपने लिप्स पर भी लगाते होंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर अपने मेकअप पर अच्छे से रब कर दीजिए। उसके बाद से आपके पास कोई कॉटन हो, कोई टिश्यू हो या फिर कोई हैंगी वगैरह हो, उससे अपने मेकअप को बहुत सिंपल तरीके से पोंछ लीजिए। ये देखिए, इस तरह से पोंछते ही हमारा मेकअप बहुत ही ईजिली हमारे फेस से हट जाता है। साथ ही वैसलीन जो है हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है, अलग से आपको मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ईजिली हमारा सारा मेकअप रिमूव भी हो जाता है। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप वैसलीन से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मेकअप को रिमूव करके अपने फेस को सेव भी कर सकते हैं। तो इस बार दोस्तों ये गलती ना करें कि मेकअप लगाने के बाद मेकअप को रिमूव ना करें। वैसलीन से बहुत ही अच्छे से हमारा मेकअप रिमूव हो जाता है, साथ ही हमारे फेस का ग्लो भी बना रहता है। मैं तो आए दिन इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ, आप कितना करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है प्रेशर कुकर के ढक्कन को लेकर। प्रेशर कुकर जो होता है, कभी कभी हम जब दाल वगैरह बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें से दाल ओवरफ्लो होता है, दाल का पानी गिर जाता है, चावल का पानी गिर जाता है, और इस वजह से हमारा जो ढक्कन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करने जाएं, इसका ढक्कन लगाने जाएं, तो ये वाली टिप जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपको प्रेशर कुकर का गैस्केट इस तरह से निकाल लेना है, रबड़ को निकालना है, और उसके बाद से इस रबड़ के साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं ऑयल का। जी हाँ, ऑयल जो होता है तो वो हाथों में लेना है, थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, और इस रबड़ के ऊपर चारों ओर अच्छे से लगा दीजिए। अब यहाँ पर ऑयल की एक कोटिंग हो जाती है, इसे वापस से आप ढक्कन में फिट कर दीजिए, सीटी लगा दीजिए, और आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ढक्कन के पीछे वाले हिस्से में भी लगा सकते हैं। और इसके बाद से आप प्रेशर कुकर में ये ढक्कन लगा दीजिए और फिर अपने दाल चावल को बनाइए। आप देखेंगे कि दाल बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता है, ना ही जो है प्रेशर कुकर से उबलकर बाहर आता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों दवाइयों के खाली पैकेट को लेकर। इस तरह के दवाई के खाली पैकेट होते हैं वो हमारे कितने काम आते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आज मैं आपको इस टिप के थ्रू देने वाली हूँ। दवाई का एक खाली पैकेट है जिसे मैंने लिया है। अब इसके बाद से हमने लिया है एक छोटा सा स्टील का बर्तन जिसे हम गैस पर रख सकें, और यहाँ पर इस बर्तन में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा नॉर्मल टैप वाटर ले लेंगे, और इसके बाद से इस बर्तन को मैं रखूँगी गैस पर, जिससे ये पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि आज इस दवाई के खाली पैकेट से मैं बहुत अच्छी सी एक टिप बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे गैस पर रखते हैं, और हमारे पानी में जब हल्का सा बबल्स आने लगे, तो आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो, या फिर किसी भी मेटल की हो, चाहे आप आर्टिफिशियल ईयरिंग्स वगैरह क्यों ना पहनते हो, वो आप ज्वेलरी लेकर सभी कुछ एक साथ डाल दीजिए। आपकी इन ज्वेलरीज की बहुत अच्छी क्लीनिंग करेगा हमारा ये दवाई का खाली पैकेट। इसमें आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोडा नहीं, कोई विनेगर नहीं, ना ही कोई डिटर्जेंट। इसे बस आपको गर्म पानी में डालकर छोड़ देना है, अब इसको पकाना नहीं है, नहीं तो दवाई का जो खाली पैकेट है वो जो है मेल्ट होने लगेगा। इसे आप बस छोड़ दीजिए, और उसके बाद से जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो हमें गैस को बंद करना है, और अपनी ज्वेलरी को इस तरह से एक दो बार आप चला दीजिए। यहाँ पर छोड़ देंगे हम 5 मिनट के लिए, और उसके बाद से जब पानी ठंडा हो जाए तो दवाई के इस खाली जो पाउच है इसको निकाल लीजिए। अब ये पानी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश लगाकर आप चाहें तो अपनी ज्वेलरी को क्लीन कर लीजिए। दोस्तों दवाई का जो खाली पाउच होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जिनसे हमारी ज्वेलरी की बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। अब मैं इसको सिंपल पानी से वॉश करके ब्रश लगाकर आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो आर्टिफिशियल रिंग्स हैं ये कितनी बढ़िया तरीके से चमक रही है। कुछ गोल्ड है इसमें, कुछ सिल्वर है, और एक आयरन की है जो बहुत अच्छी तरीके से चमक रही है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी, और इस ऐसे ही और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।